हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा किया होगा, क्योंकि कल हम अगर हमारा थंबनेल देखें तो मैंने बात किया था कि मार्केट 25,200 या फिर 24,700, इस दोनों में से कौन सा टच करेगा। और ये हमने आपको बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर कर दिया था। यहाँ पर अगर मेरी वीडियोज़ देखें तो मैं आपको कमेंट में बताता हूँ, एक हमारे देखिए जो यूजर्स हैं, यानी जो भी ये बहुत ही सज्जन या हमेशा कमेंट करते हैं और पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो इन्होंने मेरे से सवाल पूछा था उसी समय कि क्या आज के डाटा में जो आपने वीकली क्लोजिंग 25,250 दिखाया है या दिखाई है भी नहीं आएगी कल की एक्सपायरी में। प्लीज़ टेल सर, आज आपने नीचे के लेवल तो बताए पर ऊपर कहाँ टच करेगा ये नहीं बताया, प्लीज़ क्लियर करने की कष्ट करें। धन्यवाद आपका सर, आप इतना अच्छा हिंदी लिखते हैं। चलिए, लेकिन हमने यहाँ पे एक चीज़ें मैसेज नहीं की थी, शॉर्ट करिंग पॉइंट कल हम डिस्कस करना भूल गए थे, तो मैंने उन्हीं को उसी समय लगभग, आप देखें लगभग रात में आज से 20 घंटा पहले ही, कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जो पॉइंट था 25,200 और 25,100 25,000, यानी तीनों शॉर्ट कवरिंग पॉइंट हमारा जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों क्या था, ऊपर था और इसको टच करेगा। आई फॉरगेट टू शूट इट ए शॉर्ट कवरिंग पॉइंट, और मैंने बोला कि हाँ ये टच करेगा पॉइंट, क्योंकि 25,200 का जो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट और लेबल, ये दोनों इंडिकेट ऊपर में कर रहा था। और जो हमारा यहाँ पे बाकी भी आप देख सकते हैं कमेंट, बहुत अच्छे लोग हैं कमेंट, ये हमारे एक जो नरेंद्र मोदी सर हैं, जरूर मैं एक बार क्रूड ऑयल की मैं पोस्ट करूँगा, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए सर यहाँ पे देखें आपको, जितने भी लोग हैं बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट सुन के। तो ओवरऑल क्या है ना कि शॉर्ट कवरिंग पॉइंट ऊपर था, मार्केट का डायरेक्शन ऊपर था और ये सब कुछ आपको लाइव मार्केट में यहाँ पे दिख रहा था। तो अब बात करते हैं हम थोड़ा सा डेटा में, हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। तो जो हमारे ग्रुप में फॉलो अगर कर रहे होंगे, मैं उनको बताया था कि अभी मार्केट एक कंसोलिडेट फेज में है और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देगा, और हमारा जो शॉर्ट कवरिंग पॉइंट वाला रूल है शॉर्ट कवरिंग पॉइंट का, कि अगर 12:30 तक अगर वो पॉइंट टच नहीं करता है, सपोज दैट कि 25,200 हमारा शॉर्ट कवरिंग पॉइंट था, 25,300 शॉर्ट कवरिंग पॉइंट था, ये दोनों 200 और 100, अगर ये लेवल हमारा टच नहीं करता है 12:30 तक, तो 12:30 के बाद अगर जितना देर बाद जाएगा, सपोज दैट कि अगर ये 2:30 जाता है, तो वो क्या करेगा, इस जो लास्ट लेवल है उससे ब्रेक करके और ऊपर चला जाएगा और वो नीचे नहीं आएगा। यानी पूरे यहाँ पे देखिए, इसके पर्पस, इसके पीछे का क्या है कि जो भी यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा है उसको वो पूरा मार देगा, ख़त्म कर देगा, और आज यही हुआ। तो आज देखें, 3 रुपये का प्रीमियम, 4 रुपये का प्रीमियम जो हुआ वो 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ हो गया इवन। तो ये डेटा वहाँ पर इंडिकेट करता है, जो भी छोटे राइटर हैं उनको क्या, ख़त्म कर दिया जाता है। तो ओवरऑल ये पहले पता चल जाता है। अब थोड़ा सा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट जान लेते हैं। तो आज आप देखें कि टुडे गैप अप, इसके बाद 25,130 टच यहाँ पे की करेगा। मैंने मैसेज किया था 923 को, बहुत वेट कराया, रेंज बाउंड था मार्केट, लेकिन क्या है आपको रेंज बाउंड फिर क्लोज आपको 25,000 के ऊपर मुझे दिख रहा था, 25,130 टच किया, उसके बाद पूरे 2 बजे के ऊपर 2:30 बजे देखिए इतना शॉर्ट कवरिंग पॉइंट आया कि मार्केट पूरा ऊपर चला गया। तो दोस्तों, डेटा के ऊपर हम फॉलो करेंगे तो 100% मार्केट का डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कल का डेटा हमें क्या इंडिकेशन कर रहा है और हमें कैसे यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनाना है, कैसे देखना है। तो अभी यहाँ पे अगर आप पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो ये अभी भी नहीं आया, आजकल अभी लेट पोस्ट हो रहा है, फिर भी हमारे पास और भी डेटा है सपोर्टिव, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज कि क्या हमारा मार्केट का डायरेक्शन रहा है, कैसे हमें ट्रेड इनिशिएट करना है कल के लिए, डेटा क्या इंडिकेशन है। तो आप अगर देखें समरी के तौर पे राइटर कहाँ पे बैठा हुआ है, जो 12 आवर्स की एक्सपायरी हो गई इसमें, तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई, ऐसे शॉर्ट कवरिंग पॉइंट ऊपर था। नेक्स्ट जो इसके एक्सपायरी हो 19th में, इसमें थोड़ा सा हम डेटा देख लेते हैं। अभी 25,292 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 25,450 कह सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट थोड़े से नीचे है मार्केट की क्लोजिंग की, राइटर थोड़ा यहाँ पे है लगभग आईटीएम में, एटीएम में, ओटीएम में, दोनों जगह इक्वल हैं, तो राइटर इक्वल हैं, बायर ज़्यादा है यहाँ पे जो है वो कॉल में। आज ऐसे ही हुआ, बायर को पहले निकाल दिया गया फिर मार्केट ऊपर गया, आप देख सकते हैं कि बायर कौन उतना देर तक बैठता है, तो जो बड़ा प्लेयर है वो ज़रूर बैठता है। अब इसमें बड़ा प्लेयर बाइंग करके गया है तो टारगेट कहाँ पर होगा उसकी हम अभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट डेट में, लेकिन यहाँ से
डेटा हमें थोड़ा सा बुलिश एंड बेयरिश का मिक्स दिख रहा है, तो मैक्सिमम डाउनसाइड 25,160, इसके नीचे अभी मार्केट नहीं आएगा। और अगर आप बात करें बैंक निफ्टी का, तो 51,583 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 51,833 का है, न्यूट्रल पॉइंट थोड़े से नीचे हैं लगभग 70 पॉइंट, राइटर यहाँ पे ITM में 63% कॉल में, ATM में 52, OTM पुट में बैठा हुआ राइटर, यानी ये नीचे जाने से मार्केट को रोकेगा, और आज भी वैसे ही हो रहा था, टोटल 59%। और बाहर आप देखें तो मिक्स डेटा है, यानी थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश व्यू है हमारा बैंक निफ्टी का। फिन निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी का अगर बात किया जाए, तो फिन निफ्टी में भी जो 17th की एक्सपायरी है 23,854 सपोर्ट है, 24,050 का यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस है, और न्यूट्रल पॉइंट के पास मार्केट की क्लोजिंग है, इसमें थोड़े से राइटर हैं जो कॉल में, बायर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल में बैठा हुआ है, तो थोड़ा हम राइटर का वेटेज देते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा पैसा लगा होता है, एनालिसिस भी इसलिए वो मार्केट को होल्ड भी करते हैं, लेकिन बायर अगर ये एक्चुअल में बड़ा बायर है तो वो मार्केट को जरूर ऊपर लेके जाएगा, जरूर ऊपर लेके जाएगा, और ये दिखाने के भी कभी कभी हो सकते हैं, ये डेटा में इंडिकेशन करता है। तो दोस्तों डेटा मैनिपुलेशन चलता है, हमेशा डेटा मैनिपुलेशन चलता है, उसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या मैनिपुलेशन हो रहा है मार्केट में, क्या कंडीशंस रहेंगा। अब बात करें मिड कैप निफ्टी, 13,242 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 13,360 का, न्यूट्रल पॉइंट 13,295, क्लोजिंग ऊपर नीचे है थोड़ा सा। अब राइटर इसमें देखें तो पुट में बैठा हुआ है, ITM में भी ATM में भी, और बायर यहाँ पे एक अच्छा खासा कॉल में, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कॉल में बाइंग करके गया है बड़ा प्लेयर, तो बड़ा प्लेयर यहाँ से भी डेटा में बुलिश है। अगर आप पोजिशन नीचे के साइड के बना के गए हैं तो ज़रूर आप बुक कर लीजिए एक बार, या फिर लाइव का डेटा का वेट करिए, अभी फ़िलहाल का डेटा ये बुलिश है। अब कहाँ पे टारगेट रहेगा हमारा और कहाँ पे नीचे सपोर्ट रहेगा, तो ओवरऑल आप देखेंगे ये कल का सेट दोस्तों, मैं भी देखिए जो एक्चुअल चीज़ें हैं वहाँ पे, तो अभी मैं ये सिस्टम को बहुत परफेक्टली टेस्ट कर रहा हूँ, और ये AI बेस्ड सिस्टम है, यानी यहाँ पे डेटा है बहुत सारा डेटा का, प्रीवियस हिस्ट्री का डेटा, जो यहाँ पे कहाँ पे मार्केट जाकर उसको डेटा के लेके कैलकुलेशन के बेसिस पे डेटा निकलता है। तो कल मेरा ये टारगेट था 25,253 का, और यही हमारे एक जो YouTube पे अपने फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने इसी को लेके पूछा था, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके, आप रेगुलर व्यूज़ करते हैं और आपने इस पॉइंट को पकड़ा, और बिल्कुल मैं ये मेरे से मिस हो गया था थोड़ा बताना। अब अगर आप देखें तो ये 24,773, इसके नीचे अभी मार्केट नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा, यानी कल नीचे इसकी हमने बात किया था कि इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, नहीं गा, और आया भी नहीं यहाँ पे। आज आप देखें ये आपको टारगेट था 51,300, बैंक निफ्टी भी ऊपर था, निफ्टी भी फिन निफ्टी भी ऊपर थी। अगर आप आज की डेटा देखें 12 यानी 13 के लिए जो आज अभी आया है, तो ये आज के लिए था, और ये कल के लिए है, इसमें अगर आप देखें 13th का डेटा, तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे अभी निफ्टी का टारगेट मुझे आज दिख रहा था 25,412 का, यानी इसके आसपास आना था, आया भी लगभग, क्योंकि प्रेशर रहता है तो एक अच्छा प्रेशर रहता। अब यहाँ देखिए इसकी प्रेशर 98% था, यहाँ पे 81% प्रेशर दिखा रहा था कि ऊपर आएगा, आया भी मार्केट इसके ऊपर लगभग 10-20 पॉइंट गया, लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे आके थोड़ी सी क्लोजिंग कर दी। मंथली 25,100 शो कर रहा था और टोटल भी 25,300 शो कर रहे थे। अगर आप बैंक निफ्टी का देखें तो अभी बैंक निफ्टी में 51,973 यानी 52,000 शो कर रहा है, यहाँ से 200-250 पॉइंट और ऊपर बैंक निफ्टी शो कर रहा है। मंथली में 51,400, टोटल 51,200, और वीकली में अगर आप फिन निफ्टी का देखें तो 24,113 यानी यहाँ से लगभग 150 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स, मंथली थोड़ा सा नीचे है, और टोटल भी आपको है तो 23,953, ये भी इंडिकेशन कर रहा है 25,140, ये इंडिकेशन कर रहा है कि इससे नीचे भी नहीं आएगा मार्केट 25,150 का, और 51,000 आपको जो है 51,100 ये 51,800 का लेवल अभी दिखा रहा है ऊपर में, यानी ओवरऑल यहाँ से बुलिश है बैंक निफ्टी। निफ्टी तो हो गया, फिन निफ्टी, मेन निफ्टी का अब नेक्स्ट वीक का क्या है, तो अभी देखें 25,822 दिखा रहा है ये शो, और इसकी प्रोबेबिलिटी 77% है, तो ये प्रोबेबिलिटी अगर 90% के आसपास आ जाता है कल, तो मार्केट में
नेक्स्ट वीक में ये आ सकता है, चांसेस हैं। और 25,360 यानी मैक्सिमम डाउन 25,142 ये दिखा रहा है, इसके नीचे नहीं जाएगा अभी। और ये क्लोजिंग है आप देखें 25,388 का, बैंक निफ्टी का 51,0 ये आपको क्लोजिंग है, जो हमें 51,800 ये भी शो इंडिकेशन कर रहा कहाँ ऊपर में। तो ये डेटा दोस्तों क्या करता है कि अभी क्लोजिंग का डेटा है, क्लोजिंग के डेटा में यहाँ पे बुलिश है, 51,700 के पास मार्केट की क्लोजिंग है, तो ये बुलिश है यहाँ पे डेटा। मेन जैसे ही जैसे लाइव में ये डेटा आपको चेंज होता है, तो हमारा बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होता है ये डेटा चेंज होने का, यानी आपको एक बार अगर फिक्स हो गया आ गया तो नीचे आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं डेटा में चेंजमेंट का। ओवरऑल ये डेटा आपको इंडिकेशन कर रहा है बुलिशनेस का। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट प्राइस एक्शन का, थोड़ा इससे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा में हमारा जो नेक्स्ट आया या नहीं आया दोस्तों। तो यहाँ पर मैं सारा एक बार रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी हमारे पास डेटा नहीं आया है। तो कल भी नहीं आया था, कल मैंने जैसे वीडियो पोस्ट किया डेटा आया, तो मैं अगर डेटा आ जाएगा तो मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा अभी फिलहाल। चलिए निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो आज मैं डेली का चार्ट लगाया हूँ यहाँ पे, और अभी फिलहाल सपोर्ट हमारा जो ये 25,170 ये दिख रहा है, डेटा में भी हमें इंडिकेशन दे रहा, और 25,442 का भी क्या है स्लाइटली रेजिस्टेंस है। ये जैसे एक्सटेंड होगा 25,612 यानी ये लेवल तक आ जाएगा निफ्टी, और एक्सटेंशन में हमारा 25,800 का डेटा में भी शो कर रहा है। ओवरऑल क्या है, एक बार आपको थोड़ा सा नीचे मिले तो बाइंग की अच्छी जो है वो पोजीशन बन सकता है। सेम आप यहाँ पे बैंक निफ्टी देख सकते हैं कि 51,900 यानी 870 ये भी क्या है रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट दोस्तों जो हमारा एक्सटेंड लाइन था एक्सटेंशन लाइन ये भी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब इसको मैं पूरा अगर सेम ड्रैग करें तो 51,600 का भी क्या है सपोर्ट है, और वो मैक्सिमम डाउन साइड 51,500 या 400 हो सकता है। तो आपको एक्सपेंशन यानी अगर नीचे आएगा तो कहाँ तक रिटेल ट्रेडर को दर्द होगा, ये लेवल है, इस पर ऊपर जाएगा तो जो राइटर हैं उनको कहाँ तक पेन होगा, ये सब सारे लेवल हैं। 51,600 ये आपको लेवल है दोस्तों। फिन निफ्टी की अगर बात करें तो फिन निफ्टी भी एक अच्छा मोमेंटम दिया, फिलहाल ये कल नीचे नहीं गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छा लेवल के ऊपर सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट से सीधा हमारा टारगेट था 23,884 का। अगर कल के वीडियो देखे होंगे तो मैं स्पष्ट बोला था कि ये लेवल के ऊपर निकलेगा तो यहाँ तक जरूर टच करेगा एक बार, ये सब सारे लेवल हैं। अभी फिलहाल 23,884 इसके लिए क्या है रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ब्रेक करते हैं 24,100 और 24,272 का टारगेट। नीचे साइड में अभी सपोर्ट हमारा 23,700 का होगा। तो ये दोस्तों हमारा लेवल है अभी फिन निफ्टी का। मिड कैप आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल 13,231 जो रेजिस्टेंस था अभी ये सपोर्ट बन गया है, और ऊपर में टारगेट 13,353 का हो गया। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के भी थोड़े से हम चार्ट देख लेते हैं। डेटा एक्चुअली दोस्तों मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ सेंसेक्स का भी लाने का, लेकिन उस तरह का भी बात नहीं बन पा रहा है, फिर भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। 83,200 का भी रेजिस्टेंस है, ऊपर में ब्रेक करते हैं 84,600 यानी लेवल यहाँ से लगभग 1,000 पॉइंट और ऊपर है, और नीचे में 82,000 का सपोर्ट है, तो नीचे में चांसेस कम है ऊपर ज़्यादा है। FII कैश में भी बाई करके गए हैं यहाँ पे, तो दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट में देख सकते हैं जो मैं आपको दिखाया, आप भी कमेंट कर सकते हैं, ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देखें FII ने एक अच्छी बाइंग किया, 23,000 करोड़ का सेलिंग कम किया है, कैश की बाइंग एक अच्छे स्टॉक्स में आया है, तो ओवरऑल डेटा यहाँ पे बुलिश है। फिलहाल एक बार और मैं चलते चलते डेटा टेस्ट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि क्या डेटा यहाँ पे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों अभी तक भी नहीं हुआ है, जैसे हमारा डेटा आ जाएगा मैं 100% आपको एक छोटा सा वीडियो इसमें पोस्ट कर दूंगा। ओवरऑल जो भी ये आपका डेटा है या फिर इस चैनल पर जो वीडियोस हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के आधार पर बनाया गया है, इसके आधार पर कोई भी बाई सेल या होल्ड का पसंद कितने कीजिए, अपने फिनेंशियल वाले से जरूर सलाह लीजिए, उनके ही सलाह पे बाई सेल होल्ड करिए। और एक और अपडेट है दोस्तों कि अगर आप सब कुछ सीखना चाहते हैं तो अभी जस्ट हमारा एक क्लास हुआ है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं 8 सितंबर से, नहीं तो अक्टूबर वाले बैच में अभी तो उसका कोई डेट नहीं आया है। जैसे टेंटेटिव डेट मैं आपको बताता हूँ कि 8 और 9 से ये स्टार्ट हो सकता है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समझने के लिए दोस्तों, डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा। लाइव का डेटा मैं बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि वो आपको कब पोजिशन बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपने कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।